शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक सोमेश कुमार के नेतृत्व में तथा वरिष्ठ विद्युत इंजीनियर महेश कुमार इनके मार्गदर्शन में नागपुर मंडल के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि फ्रांस और भारतीय रेल के साथ मिलकर 2015 वर्ष से बिहार में मधेपुरा में 800 इलेक्ट्रिक इंजन 12,000 हॉर्स पावर का निर्माण कर रहा है। इनमें से 250 लोगों का रखरखाव अजनी में बनने वाले मेंटेनेंस शेड में होगा। अजनी का यह मुख्य डेपो बनकर तैयार होने की तय सीमा फरवरी 2022 तक रखी गई है। इस मेंटेनेंस डेपो के बनने से नागपुर के आसपास औद्योगिक विकास की संभावना भी बन जाएगी। इस लोको को मालगाड़ी परिचालन के लिए एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह इंजन मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। 250 एकड़ में बनी मधेपुरा फैक्ट्री सबसे बड़ी एकीकृत ग्रीन फील्ड सुविधा है, जिसे 120 इंजन की क्षमता के साथ गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के साथ बनाया गया। बिहार की मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री ने देश का पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन तैयार किया। इसके साथ ही भारत दुनिया का छठवां ऐसा देश बन गया जिसने इतनी हॉर्स पावर का रेल इंजन खुद तैयार किया है। विश्व का ऐसा पहला लोको है जो मेक इन इंडिया से भारत में बनाया गया तथा ब्रॉड गेज पर संचालित किया गया है। यह इंजन वर्तमान में 100 किलोमीटर प्रति घंटा परंतु भविष्य में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफर कर सकता है। इसकी सहायता से मालगाड़ियों की औसत गति और भार ले जाने की क्षमता बेहतर होगी। यह रेल इंजन IGBT आधारित 3 फेज ड्राइव और 9,000 किलोवाट 12,000 हॉर्स पावर के है। इनमें GPS भी दिया गया है जिसकी सहायता से इस लोको को कहीं भी ट्रैक किया जा सकेगा। मध्य रेलवे में सर्वप्रथम नागपुर मंडल को 12,000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन के साथ गाड़ी क्रमांक के RDS BTPN सेक्शन आमला से नागपुर तक चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका पूरा श्रेय मंडल रेल प्रबंधक सोमेश कुमार इन्हें जाता है। मुख्यालय के प्रयासों से नागपुर मंडल को 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन लोको पायलट के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराया गया। वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर परिचालन महेश कुमार के निर्देशानुसार कुछ दिनों से आमला तथा नागपुर मुख्यालय के लोको पायलट को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रायोगिक तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है। नागपुर मंडल और नागपुर शहर के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारतीय रेल का सबसे पावरफुल इंजन WAG-12 जो 12,000 हॉर्स पावर का है वो हमारे मंडल में ऑपरेशन के लिए आया है और इसका एक लोकोमोटिव हमारे डिवीज़न को दिया गया है हमारे लोको पायलट्स और हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए। ये लोको भारतीय रेल का सबसे पावरफुल लोको है और अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो विश्व स्तर पे भारतवर्ष अब छठा देश बन गया है जिसमें 12,000 या इससे ज़्यादा हॉर्स पावर के लोकोमोटिव बनाए जाते हैं और ब्रॉड गेज पे तो चलने वाला 12,000 हॉर्स पावर का ये पूरे विश्व का पहला लोको है जो भारतवर्ष में पूरी तरह से मेक इन इंडिया पद्धति पे बनाया गया है। ये लोकोमोटिव भारतीय रेल और फ्रांस की एलस्टॉम कंपनी के ज्वाइंट वेंचर से मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में बनाया गया है। इस तरह के अभी तक करीब 15 लोको बन चुके हैं और बाद में इनकी मेंटेनेंस के लिए पूरे भारतीय रेल में 7 शेड बनेंगे जिसमें से एक लोको शेड सहारनपुर में बन चुकी है और दूसरी लोको शेड नागपुर के पास अजनी में हमारे इलेक्ट्रिक लोको शेड के साथ में बन रही है। इस शेड के 2022 फरवरी तक बनने की उम्मीद है और जब ये लोको जो शेड बन जाएगा और इसमें लोको का मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे स्थानीय लोगों के रोजगार की भी पूरी पूरी संभावना रहती है। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम है और बड़े नागपुर मंडल और हम लोग बड़े इस अचीवमेंट को लेके बहुत प्रसन्न हैं कि इससे हमारे भारतीय रेल का हमारे डिवीज़न का तकनीकी विकास भी होगा और यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना रहेगी। ये लोको स्टेट ऑफ आर्ट लोकोमोटिव है, लेटेस्ट IGBT बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है। इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS भी है जिससे जहाँ कहीं भी ये लोको चल रहा होगा इसकी माली हालत कैसी है, इसकी टेक्निकल कंडीशन कैसी है वो शेड में दूर से बैठे मॉनिटर हो सकती है। यह लोको भारतीय ट्रेन ऑपरेशन में एक गेम चेंजर साबित होगा। इस लोको के आने के बाद में हमारी गुड्स ट्रेन की जो बैलेंसिंग स्पीड है वो एग्जिस्ट वर्तमान की स्पीड से काफ़ी बढ़ जाएगी जिससे हमारे सेक्शन का थ्रूपुट बढ़ेगा
और भारतीय रेल ज़्यादा माल भाड़ा और गाड़ियाँ चला सकेगा, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन भी काफ़ी बढ़ेगा। तो ये बड़ा टेक्निकली एडवांस लोकोमोटिव है जो हमारे भारतीय रेल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, और बड़े गर्व की बात है कि नागपुर डिवीज़न को, नागपुर को दूसरे शेड के रूप में इसको विकसित करने का अवसर प्रदान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।